वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 और बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने दो प्लेन फैब्रिक लिए हैं, जहाँ पर्पल फैब्रिक हमने लिया है 1 मीटर और वाइट फैब्रिक हमने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अब यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 7 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब ऊपर से 10 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14 इंचेस और यहाँ से ब्रॉडनेस हम लेंगे 10 इंचेस और यहाँ से कमर की ब्रॉडनेस हमें लेनी है 7.5 इंचेस और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अब नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2 इंचेस और राउंड शेप बनाते हुए हमें नेक ड्रॉ करना है फ्रंट और बैक के लिए इस तरीके से। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट की इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 4 स्ट्रिप्स कट की है फैब्रिक से, जिसे हम फ्रंट पार्ट पे पैटर्न करेंगे। पैटर्न के लिए हमने 4 स्ट्रिप्स कट की है। इसकी लेंथ हमने ली है 14 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने ली है 2 इंचेस, जिसे हमें इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करना है और वापस फोल्ड करते हुए हमें इसे इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करना है और ऊपर से सिलाई करते हुए इसे हमें अटैच कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे जहाँ पे हमें इसे अटैच करना है, तो सेंटर मार्क करना है टॉप पार्ट का यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे नीचे भी हमें सेंटर मार्क कर लेना है नीचे और बॉर्डर पे इस तरीके से और सेंटर से दोनों साइड पे हमें 1 1 इंच पे हमें 2 मार्क करने हैं यहाँ पे। इस तरीके से लेफ्ट और राइट में 1 1 इंच पे हमें मार्क कर लेना है और इस तरीके से नीचे वाले बॉर्डर पे भी हमें सेंटर से लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमें मार्किंग करनी है 1 1 इंच पे इस तरीके से और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए और वापस फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें मार्क को मिलाते हुए इसे अरेंज करना है और हमें ऊपर से सिलाई करते हुए यहाँ पे 4 स्ट्रिप्स को अटैच कर लेना है पैटर्न के लिए। ये देखिए, हमने इस तरीके से पैटर्न कर ली है ऊपर से सिलाई करते हुए सेंटर पे और ये जो स्ट्रिप्स का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें रिमूव कर लेना है इस तरीके से। अब एक को राइट रखना है और इसके ऊपर दूसरा हमें उल्टा रखना है और दोनों शोल्डर हमें अटैच कर लेने हैं। ये देखिए, हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं और वाइट फैब्रिक से हमने इस तरह की स्ट्रिप्स कट की है, जिसकी ब्रॉडनेस हम ले 3 इंचेस और लेंथ हमने ली है 32 इंचेस
जिसकी इनिशियल ऑर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है और अपर ऑर्डर पे बड़े नंबरों की हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है और नीचे वाले ऑर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमें गैदरिंग करना है। तो एक धागे को अलग करना है, हल्के हाथ से खींचते हुए पूरे लेंथ में, पूरे स्ट्रिप्स में हमें रफल बनानी है इस तरीके से। ये देखिए हमने रफल बना ली है और इसे हमें नेक पार्ट पे अटैच करना है पैटर्न के लिए। तो सबसे पहले हम इसे टू फोल्ड करेंगे, अच्छे से टू फोल्ड करना है और यहाँ पे ये हमारा जो बैक साइड है यहाँ पे हमें कट लगाना है हुक्स के लिए और वापस हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ पे इस रफल को हम सीधा रखेंगे। पार्ट को राइट रखना है और रफल को भी राइट रखते हुए ऊपर से सिलाई करते हुए पूरे राउंड में हमें सिलाई करनी है और इसे अटैच करना है। ये देखिए हमने रफल अटैच कर ली है पैटर्न के लिए। अब यहाँ पे हमने इस तरह के स्ट्रिप्स कट की है जिससे हम यहाँ पे आर्म होल पे उल्टा रखेंगे, पूरा आर्म होल पे उल्टा रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है और इस तरीके से नेक पार्ट पे भी हमें स्ट्रिप्स को ऊपर से सिलाई करना है और आर्म होल पे भी हम इसे अटैच करेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से आर्म होल पे और नेक पार्ट पे हमने इसे अटैच कर लिया है और स्ट्रिप्स को हमें इस तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे पाइपिंग करते हुए हमें सिलाई कर लेनी है और यहाँ पे नेक को भी हमें रेडी करना है। तो इसे फैब्रिक को हमें इस तरीके से मोड़ना है और वापस हमें इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे नेक पार्ट को भी हम रेडी करेंगे और आर्म होल को भी हमें रेडी कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरीके से आर्म होल और नेक को हमने डेकोरेट कर लिया है पाइपिंग करते हुए और यहाँ पे स्ट्रिप्स को हमें उल्टा रखना है और हमें सिलाई करना है और वापस हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है। ये देखिए हमने इस तरीके के हुक्स के लिए भी हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे बॉटम के पार्ट के लिए हमने इस तरह की दो स्ट्रिप्स कट की है और दो रेक्टेंगल पीस कट किए हैं जिसकी लेंथ हमने ली है 4 इंचेस और लेंथ हमने ली है 19 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने सेम रखी है 40 इंचेस। तो यहाँ पे स्ट्रिप्स की एक बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है दोनों स्ट्रिप्स में और यहाँ पे भी नीचे वाले बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लेना है वाइट फैब्रिक में भी और अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई करनी है चारों पार्ट्स में इस तरीके से। और यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे। ये देखिए हमने गैदरिंग कर लिया है रेक्टेंगल पीसेस में और रफल में इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे अरेंज करना है। ये हमारा बॉटम का पार्ट रेडी हो गया है और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे बॉटम पार्ट के ऊपर और अच्छे से मिलाने के बाद हमें सिलाई करनी है और टॉप और बॉटम हमें जॉइंट कर लेना है दोनों पार्ट्स में फ्रंट और बैक में। यहाँ पे बैक का पार्ट भी बॉटम के साथ हम अटैच करेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और यहाँ पे दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फ्रॉक की फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से मिलाएंगे हम फ्रंट और बैक को और दोनों साइड से 1 इंच की गैप पे सिलाई करते हुए फ्रॉक को फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरीके से दोनों साइड से 1 इंच की गैप पे सिलाई करते हुए फ्रॉक को राइट साइड पर टर्न कर लिया है। ये हमारा फ्रॉक रेडी है और यहाँ पे फ्रॉक को डेकोरेट करने के लिए दोनों फैब्रिक से हमने इस तरीके के बो बनाए हैं जिसे यहाँ पे हमें दोनों साइड पर अटैच कर लेना है और इसी के साथ ये बेबी फ्रॉक हमारा रेडी है। तो फाइनली तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही उस बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।